और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस आलाकमान ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायकों ने आलाकमान को अधिकृत किया था, आलाकमान को नेता प्रतिपक्ष पर फैसला करना है। लगातार कल विधानसभा का सत्र है देखिए, और अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक कोई नाम फाइनल नहीं किया गया है, ये नहीं बताया गया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि पार्टी की ओर से अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि कांग्रेस आलाकमान को अधिकृत किया गया, आलाकमान को नेता प्रतिपक्ष पर फैसला करना है। कुछ जो नाम है वो आगे आलाकमान को भेजे गए हैं। कल विधानसभा का सत्र है, अध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव होगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का नाम अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि कौन इस बार कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करता है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अब तक इस पर सस्पेंस बरकरार है, आलाकमान को नेता प्रतिपक्ष पर फैसला करना है। पार्टी ने अब तक इस बात का फैसला नहीं लिया है कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। हालांकि आपको बता दें कि कल विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया है और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता साक्षी जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साक्षी, कल विधानसभा का सत्र है, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं बताया गया है, अब तक इस नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सुबह 10 बजे गवर्नर जी ने शपथ और 11 बजे नए चयनित विधायक है उन्हें स्पीकर रघुवीर कादियान शपथ दिलवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल सदन का नेता वहां मौजूद रहेगा, तमाम कैबिनेट वहां मौजूद रहेगी, सभी विधायक वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन टीएलपी लीडर का अब तक नाम जो है फाइनल नहीं हुआ है। कांग्रेस के इसको लेकर बीते दिनों तीन बड़े लीडर्स के एज ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में चंडीगढ़ में एक बैठक भी हुई थी, और बैठक में सभी विधायकों ने अपने दिल की बात ऑब्जर्वर्स तक पहुंचाई, और ऑब्जर्वर्स ने वो बात एक लिखित रिपोर्ट के माध्यम से हाईकमान तक भी पहुंचा दी है, और फैसला जो है टीएलपी लीडर चुनने का फिलहाल हाईकमान पर छोड़ा गया है। लेकिन हाईकमान भी अब तक टीएलपी लीडर का नाम फाइनल नहीं कर पाया है। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि कल का जो विधानसभा का सत्र है उसमें फिलहाल टीएलपी लीडर का कोई काम नहीं है, और इसलिए शायद आज ही कांग्रेस जो है अपने टीएलपी लीडर का नाम अनाउंस ना करें। फिलहाल अभी एक दो दिन और टीएलपी लीडर के नाम अनाउंसमेंट में लग सकते हैं, क्योंकि कल के सत्र में टीएलपी लीडर का कोई काम नहीं है, और इसीलिए टीएलपी लीडर के बिना भी कल का जो सत्र है वो चलाया जा सकता है, क्योंकि महज तमाम विधायकों को जो प्रोटेम स्पीकर हैं उन्होंने शपथ की, उनके द्वारा शपथ दिलवाई जानी है। और टीएलपी लीडर के नाम को लेकर फिलहाल जो है कांग्रेस में खींचतान जरूर चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो अलग अलग गुट है, चाहे वो कुमारी शर्मा चाहे वो गुट हो, चाहते हैं कि उनके समर्थन है। जो देरी हो रही है साक्षी नेता प्रतिपक्ष को चुने जाने को लेकर, उसके पीछे कोई मुख्य वजह मानी जा सकती है? जी बिल्कुल, मैं वही आपको बता रही थी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में हमें पता है कांग्रेस टीम में अलग अलग धड़, और हर नेता जो है वो यही कहता है कि उनके उनका कोई जो समर्थक नेता है उसे कहीं ना कहीं अहम जिम्मेदारी जो है वो दी जाए। कुमारी नेता ये टीएलपी की जो भूमिका है वो दी जाए, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट जो है वो ये तो उनके किस समर्थित नेता को दी जाए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का अगर चयन होता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर टीएलपी लीडर नहीं बनते हैं तो उनके बाद गीता भुक्कल या फिर अशोक अरोड़ा हो गए, इन्हें टीएलपी लीडर की जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। वही तो लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, और देखना होगा पार्टी आलाकमान की ओर से नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शक।